सेठ बलराज, ये रही आपकी मिल, इतनी ऊंची चिमनी है यहाँ की, और वो देखिए वो रहे आपके एयर कंडीशन ऑफिस, और साथ में एयर कंडीशन कैंटीन, खाने पीने को सब कुछ मिलता है यहाँ। आइए ना मेरे साथ। और ये है मशीन का सेक्शन, यहाँ मजदूर बहुत मजे में काम करते हैं। आइए आइए गन्ना साहब, आप भी आइए ना। बाबा कब से काम कर रहे हो इस मिल में? हजूर बच्चा था जब यहाँ आया था। क्या तनख्वाह क्या मिलती है? 110 रुपए। इकबालनाथ जी, जी जरा दफ्तर में आइए। आइए खन्ना साहब। मैनेजर साहब जी, इस मिल में कितने ऐसे आदमी हैं जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है? यही कोई होंगे साहब, 100-150। तो एक काम कीजिए, उन सबको 5-5 साल का बोनस और आधी तनख्वाह जिंदगी भर के लिए पेंशन लगा दीजिए। सेठ जी, गरीबों पर रहम खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से मिल बंद हो जाएगी। गायत्री, इस मिल का मालिक मैं हूं ना, तो फिर आज से मैंने तय किया है कि इस मिल में अब बूढ़ी हड्डियों पर जुल्म और नहीं होगा। जैसा आपका हुक्म सेठ जी, लेकिन मेरी एक विनती है, हम चाहते हैं कि आपके स्वर्गवासी दादा सेठ दुर्गादास जी का एक चांदी का बुत मिल के कंपाउंड में जरूर लगना चाहिए। ताकि चील कौवे और पालतू कबूतर उन पर बैठकर बीट करें। दादाजी की इज्जत मजदूरों के दिलों में होनी चाहिए, इसलिए हमें उनकी याद में ऐसे काम करने चाहिए कि मजदूर उन्हें हमेशा के लिए याद रखे। हाँ, देखो भाई गायत्री, ये मिल का मामला है, हम जाने और सेठ जी जाने। इकबालनाथ जी, आज से मिल के हर काम में गायत्री मेरा साथ देगी। जब मेरे दादा इनकी हर बात मानते थे, तो आप और मैं कौन है इनकी बात छुटलाने वाले? इकबालनाथ जी, सेठ जी जो भी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। खन्ना साहब, चमचों से मुझे सब चिढ़ है। आपकी उम्र भी तो 55 साल के करीब होगी। नहीं, मैं तो अभी 45 बरस का हूँ। 45 बरस? अरे कई लोग जवानी में बूढ़े नजर आते हैं। ठीक है, मैं मिलके बाकी हिस्सों का मुआयना करके आता हूँ। हाँ चलो चलो भाई। खन्ना साहब, चींटी ने पर निकालना शुरू कर दिए हैं। लेकिन चींटी ये भूल रही है कि वो हाथी के पांव तले है। अरे बूढ़े बाबा, ये क्या इतनी सर्दी में बगैर कपड़ों के लेटे हुए? बेटा, सवेरे से इस गरीब ने सर्दी के सिवा कुछ नहीं खाया है, 10 पैसे से तो चाय पी लूंगा। 10 पैसे क्यों, ये लो। अरे बेटा, ये तो 100 का नोट है। तो क्या हुआ बाबा, रख लो। बेटा, तेरा भला तेरे बाल बच्चों का भला। क्या कर रहे हो? इस ऊपर वाले का भी जवाब नहीं, जिसे देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और जिसे नहीं देता कुछ नहीं देता। बाबा, ये कोट तुम ले लो और ये धोती मुझे दे दो, बहुत दिन हो गए ऐसी धोती नहीं पहनी। खन्ना साहब, बात क्या बात है, बात क्या वो बात है जो बात बनाए ना बने। लेकिन बात बनने में टाइम लगता है। श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप ये बंधियार और फटी धोती पहन के घूमने निकल पड़े? नहीं इकबाल भैया, मुझे आप लोगों की इज्जत का बहुत ख्याल है। या तो मैं एकदम सूट बूट पहन के था, लेकिन रास्ते में एक बेचारा बूढ़ा सर्दी में ठिठ रहा था, मुझसे नहीं देखा गया।
मैंने अपना कोट और पतलून दोनों उसको दे दिए। वाह 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 वाह, कितने अच्छे विचार हैं सेठ जी के, इनसे किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता। हर मनुष्य को ऐसा होना चाहिए करना साहब। इकबाल भैया, लोग तो कहते हैं कि दौलत कमाना बहुत बड़ा हुनर है, और मैं कहता हूँ कि दौलत लुटाना बहुत बड़ा हुनर है। जी जी खन्ना साहब, देख लिया आपने मुफ्त में आयु दौलत किस तरह लुटाई जाती है। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में घर के बर्तन बर्तन सब बिक जाएंगे। इकबाल भैया चिंता मत करो, इस होटल वाले को हम दूसरे रास्ते पर लगा देते हैं। दूसरा कौन सा रास्ता? अरे भाई, आदमी को बहकाने के लिए औरत और शराब दो ही तो रास्ते होते हैं। इस होटल वाले का ध्यान उधर लगा देते हैं और इधर हम अपना उल्लू सीधा कर लेंगे। आ हा हा।